बहुत अच्छा जगह है, अंग्रेजी भी बोलते हैं लोग, मेरा फ्रेंड है ना वहां पे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम उत्कर्ष, आई लिव इन पोलैंड और मैं व्लॉग बनाता हूं भाई। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली बार मेरी शक्ल वगैरह देख रहे हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग भाई, कुछ जल्दी सब्सक्राइब कराइए प्लीज, 50 के कराते हैं भाई, और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, एंजॉय वगैरह करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है इससे। और कुछ आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वी आर इन नेचर, देखिए क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। जब मैं नोट्स बनाता हूँ ना, मतलब वीडियो फाड़ने वाला हूँ मैं, आराम से बैठिए चाय कॉफी लेके। थोड़ी लंबी वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि नहीं बनाऊं, अभी आप लोग का इतना रिक्वेस्ट आ रहा था तो बनानी पड़ रही है भाई वीडियो। शुड यू गो टू माल्टा या पोलैंड, मतलब आपको माल्टा जाना चाहिए या पोलैंड आना चाहिए? मेरे को बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर रहे थे मेरे लास्ट वर्क परमिट वाली वीडियो देख के, उत्कर्ष पोलैंड में तो ऐसा बुरा हाल चल रहा है, वर्क परमिट स्कैम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो माल्टा चले जाएंगे? माल्टा ऐसे बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, फॉर इंडियंस बताया ना तुम्हें, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल गो टू माल्टा फॉर वर्क। गाइस, माल्टा के कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, इसके बारे में बात करूंगा और कुछ कुछ नेगेटिव भी करूंगा, तो आप लोग यार बुरा मानना ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है कि आपको पोलैंड ही जाना है, माल्टा जाना है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आपकी लाइफ है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वर्किंग इन यूरोप, पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया, इटली, स्पेन, आप कहीं भी जा रहे हो, पुर्तगाल वगैरह, इट्स नॉट लाइक गल्फ कंट्रीज। सो गाइस, गल्फ कंट्रीज का बेसिकली सीन ये है, एजेंसी है ना, उनको गवर्नमेंट ने पावर दिया हुआ है कि उनका इन्फ्लुएंस होता है फॉर वीजा पर्पस, ऐसे समझ रहे हो, आपको वीजा मिल जाता है तो आपका रख लेते हैं, कुछ भी करते हैं। पर यहाँ यूरोप में ऐसा कोई सीन नहीं है, यूरोप में आपका जो एजेंसी या कोई भी एजेंसी आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो बेटर होगा, बेस्ट होगा। मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज गो एंड चेक आउट माय पोलैंड वर्क परमिट वाले वीडियोस। पोलैंड और यूरोप में आप कहीं भी काम करने आओगे तो इसमें आपकी जो एजेंसी होती है ना, उनका रोल इतना ही होता है कि आपको एक वैलिड वर्क परमिट प्रोवाइड करना, उसके आगे उनका वीजा में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। फॉर वीजा यू आर ऑन योर ओन, आपको खुद से वीजा अप्लाई करना है, खुद से आपके मतलब सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दे देंगे एजेंसी, पर आपको वीजा खुद से अप्लाई करना होगा और आपका उसमें कोई एजेंसी की इन्फ्लुएंस नहीं होगी, आपको वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आपका वर्क परमिट फेक है तो वीजा नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना वर्क परमिट जरूर से, और मैं अपना दे दूंगा ईमेल का लिंक, यू कैन सेंड मी, मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू चेक वर्क परमिट की रियल या फेक है, बहुत लोग स्कैम हो रहा है भाई ठीक है। आपका जो एजेंट है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा पोलैंड का, पुर्तगाल का, माल्टा का या नहीं मिलेगा, समझे बात? तो ये बात है। वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको कुछ प्रूफ दिखाना है, ऑफकोर्स मैं नाम वगैरह छुपा दूंगा भाई का अपने। तो ये भाई पोलैंड आए हुए हैं, देखिए ये इनका मैसेज, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा साइड में कि सर आई एम फ्रॉम कोलकाता, 2 वीक्स बिफोर आई केम हेयर इन जागोपानी, एक पोलैंड में शहर है, हिल स्टेशन है, बट कंपनी स्टिल डोंट गिव मी एनी वर्क, बट आई एम कॉलिंग इन इंडिया माई एजेंट, मतलब भाई ने फोन कर रहे हैं अपने एजेंट जो जहाँ से वर्क परमिट मिली है वहाँ फोन लगा रहे हैं, ही सेड यू डोंट नो द वर्क, पोलिश कंपनी सेड दैट्स वाई ही डिडंट गिव इन वर्क, मतलब बेसिकली एजेंट ने आपको दे दिया वर्क परमिट और पोलिश कंपनी बोल रही है हम आपको काम नहीं देंगे बिकॉज आपको काम आता ही नहीं है ठीक है। तो ये बोल रहे हैं सो दैट्स वाई डिडंट गिव मी वर्क, सो सर यू टेल मी आई एम डिडंट गो टू वर्क, हाउ पोलिश कंपनी नोज आई डोंट नो वर्क, सर आई एम शेफ, टोटल एक्सपीरियंस 14 ईयर्स, सऊदी, कुवैत, बहरेन, इंडिया, पार्क 5-स्टार होटल, सर आई एम पास आउट होटल मैनेजमेंट इन द ईयर 2006, सो यू थिंक पोलिश कंपनी नाउ सेड वर्क इज नॉट गुड, इफ पॉसिबल प्लीज हेल्प मी। पता नहीं समझे कि नहीं समझे, तो बेसिकली बंदे के साथ ये हुआ है, बंदा एक बंदी नहीं, बंदा है अब आदमी है, फोटो देखा हूं मैं, पोलैंड तो आ गया वर्क परमिट पे, एजेंट ने दे दिया वर्क परमिट, पोलैंड आ गया, अब यहाँ उसको काम नहीं मिल रहा है और कंपनी बोल रही है हमारे पास काम नहीं है, आपको काम नहीं आता है ऐसा, तो आप देख लो भाई एजेंट के थ्रू ऐसा ऐसा चीजें हो रही हैं और लोग पोलैंड आके भी ना सब कुछ मिल जा रहा है, वर्क परमिट मिल जा रहा है, वीज़ा मिल जा रहा है, पोलैंड आ जा रहे हैं तब भी काम नहीं मिल रहा है, यहाँ पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, और जो भी इंडिया से सेविंग लेके आए थे तो खत्म हो रही है, जो भी हो रही है। पहला केस नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आते हैं, हर दिन आता है भाई मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो, मैं डाल लूंगा स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का लिंक। फाइनली अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, आपको माल्टा आना चाहिए, आपको पोलैंड आना चाहिए। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट ये है, जो माल्टा पोलैंड बोथ आर शेंगन कंट्रीज, तो आपको जो भी वीजा मिलेगा वो होगा टाइप डी वीजा, दोनों शेंगन कंट्रीज है, दोनों यूरोपियन कंट्रीज है, कहीं भी आओगे तो आप यूरोप में रहोगे ठीक है। आपको जो वीजा मिलेगा वो होगा नेशनल टाइप डी वीजा, उससे आप पूरे यूरोप में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो गाइस दूसरा पॉइंट ये है कि जो माल्टा और पोलैंड की करेंसी है बोथ आर डिफरेंट, माल्टा में चलता है यूरोस, पोलैंड की करेंसी है पोलिश ज्लोटी, फ्लौती बोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंस शुरू हो जाता है पोलैंड और माल्टा में। माल्टा में आओगे जॉब वगैरह करोगे, ओवर टाइम करोगे तो आपकी सैलरी मिलेगी यूरोस में, तो अच्छा लगेगा भाई। अब पोलैंड की जो करेंसी है पोलिश लॉटी कंपेयर टू यूरोस काफी वीक है, एक यूरो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग होगा, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे आप देख लेना कितना होता है, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप वो कंपेयर करते हो भाई जॉब के वर्क परमिट पे आ रहे हो तो पैसा ही कमाना है ना मेन, तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे की जो यूरोस में बंदा सेव कर रहा है कॉर्स वो ज्यादा होगा कंपेयर टू पोलिश लॉटी, समझ जो फिर बात क्या है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है भाई मिनिमम वेज, ऑफिशियली जो माल्टीज जो गवर्नमेंट है तय किया है मिनिमम वेज है वो माल्टा में है अराउंड 835 यूरोस, और पोलैंड की जो मिनिमम वेज है वो है 3490 पोलिश लॉटी पर मंथ, अगर आप फुल टाइम काम करते हो। माल्टा में जो ओवर टाइम्स है बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू पोलैंड, इन द एंड यू विल सेव अ लॉट, यू विल अर्न अ लॉट, मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है इंस्टाग्राम वगैरह पे इंटरनेट पे, तो प्रॉपर जॉब कर रहे हैं माल्टा में फुल टाइम वगैरह, वेयर हाउस में या शेफ या होटल में या कहीं भी, तो वो आराम से 1500 से 2000 यूरो कमा ले रहे हैं भाई, जो लॉटी में आप कंपेयर करोगे तो अराउंड 10,000 हो जाएगी वो, तो आप 10,000 पोलैंड में ना लॉटी कमाना वो हमारी सैलरी भी नहीं है भाई, टू ग्रॉस
तो पोलैंड में आप मैक्सिमम कमाओगे 4 से 5 हज़ार आते हो मिनिमम में जॉब पे वर्क परमिट पे, तो 4 से 5 हज़ार अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, पहले से आप बहुत ही स्किल्ड लेबर नहीं हो, तो आप 4 से 5 हज़ार महीना कमाओगे ओवर टाइम वगैरह लेके, और वही माल्टा में आपका बन जाएगा 8 से 9 हज़ार स्लॉटी में। ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा इन द एंड ऑफ द मंथ। अब बात करते हैं अपने वर्किंग आवर्स पे, तो माल्टा में जो एक एवरेज मैंने जहाँ तक रिसर्च करी बात करी लोगों से तो बता रहे हैं वर्किंग आवर्स है अराउंड 180 to 200 hours पर मंथ। पोलैंड में भी लगभग उतना ही लोग कर लेते हैं अगर ओवर टाइम बन गया, तब भी इन द एंड उनकी उतनी सेविंग नहीं हो पाती है टू जो माल्टा में आप सेव करोगे यूरोस में, उसको सबको कन्वर्ट कर रहे हो इंडियन रुपीस में, तो आप माल्टा में लगा लो अराउंड आपके 1.5 से 2 लाख आराम से बन जाएंगे महीने में। ऑफ कोर्स टैक्स वगैरह कटेगा, मैं ग्रॉस बता रहा हूँ जो ग्रॉस आपकी बिना टैक्स होती है सैलरी। अगर आप पोलैंड में वही मैक्सिमम आपकी अर्निंग हो जाएगी इंडियन रुपीस में 1 से 1 लाख से 1 लाख 20 हज़ार 1 लाख 10 हज़ार एक रफ फिगर बता रहा हूँ मैं, तो इन द एंड माल्टा में यू कैन अर्न मोर, ये तो भाई प्रूफ है। ठीक है, तो गाइस एक और छोटी सी पॉइंट आ गई कि जो आपका एकोमोडेशन होगा अगर आपकी कंपनी दे रही है तब तो बेस्ट है, और नहीं दे रही है भाई तब मुझे लगता है माल्टा इज मोर एक्सपेंसिव देन पोलैंड, बिकॉज माल्टा भाई एक यूरो चलती है वहाँ करेंसी, और बेसिकली माल्टा इज लाइक अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट स्पेशली इन समर इन यूरोप, मतलब सारे लोग भाई माल्टा जाते हैं पार्टी वगैरह करने, जैसे इंडिया में होता है ना गोवा, समझ रहे हो ना गोवा, इंडिया लोग गोवा जाते हैं पार्टी करने समर वगैरह में पूरे इंडिया से, तो सेम माल्टा में वही सीन है भाई, माल्टा में पूरे यूरोप से सारे यूरोपियन टूरिस्ट स्पेशली इटली वगैरह से बहुत ही लोग माल्टा जाते हैं भाई अपना वेकेशन, यहाँ के जो गोरे लोग हैं ना वो समर में एकदम पागल हो जाते हैं भाई, हम दारू पिए जाते हैं पैसा उड़ाएंगे ये सब, तो ये सब माल्टा में इसलिए थोड़ा एकोमोडेशन अगर आपको कंपनी से नहीं मिल रही है तब थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। अभी मैं देखा हूँ बहुत सारे अपने इंडियन भाई लोग, बांग्लादेशी पाकिस्तानी नेपाली भाई लोग एक अपार्टमेंट रेंट करके 5-6 लोग रहते हैं भाई, पर ओवरऑल माल्टा थोड़ा एक्सपेंसिव है फॉर एकोमोडेशन कंपेयर टू पोलैंड, उतना एक्सपेंसिव नहीं है लाइक जर्मनी डेनमार्क स्वीडन ये सब जो कंट्री है ना स्कैंडिनेवियन कंट्री दे आर मोर एक्सपेंसिव। माल्टा और पोलैंड दोनों बेस्ट ऑप्शन है फॉर इंडियंस अपने इंडियन भाई लोग के लिए, क्योंकि यहाँ जो लिविंग एक्सपेंसिव है ना वो उतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू जर्मनी कंपेयर टू नीदरलैंड कंपेयर टू फ्रांस, सब कंट्री भाई बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये सब कंट्री का जो वर्क परमिट होता है इतना आसान नहीं होता है भाई हासिल करना, पोलैंड और ये सब कंट्री माल्टा वगैरह इनको लोग चाहिए हार्डवर्क एकदम लेवल जो एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम वगैरह कर सके भाई, जो यहाँ के यूरोपियन लोग है ना ओवर टाइम नहीं होता है भाई ठीक है, और ये अपना भाई वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है ना यही बनाने में रहते हैं, ठीक भी अच्छी बात है भाई ये अपना शुरू से ऐसे ही इनका मेंटेलिटी है ऐसे ही ये बड़े हुए हैं, इनको गवर्नमेंट से इतना मिलता है प्रिविलेज वगैरह जो भी है, तो हमारे लिए नहीं है ना, आप इंडिया वगैरह कहीं से भी आ रहे हो जॉब वगैरह करने तो आपका मेन तो है भाई पैसे कमाने हैं पैसे छापने हैं, तो ओवर टाइम करके ही पैसे बनेंगे भाई, और ओवर टाइम माल्टा में थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू पोलैंड, मैं नहीं बोल रहा हूँ पोलैंड में नहीं होता है पर माल्टा में थोड़ा ज्यादा होता है। गाइस अपने बात करते हैं चौथे पॉइंट पे जो काफी इंटरेस्टिंग भी है, वो है कि माल्टा वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है इंडिया था ना आए थे गोरे आए थे हम पे राज करने जो भी, तो माल्टा का भी सेम यही सीन है, माल्टा के अपने नेटिव लोग थे जिनकी लैंग्वेज है माल्टीज, इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो अभी भी वहाँ जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ये काफी सही है भाई, और पोलैंड का एक यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का जो लैंग्वेज है वो है पोलिश, आपका जो वर्क प्लेस होगा फैक्ट्री कहीं भी काम करोगे तो आपको जो कलीग्स वगैरह है बॉस वगैरह सब पोलिश होंगे, पोलिश बात करेंगे आपसे पोलिश में, इंग्लिश बोलते हैं ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तब भी माल्टा में ऐसा है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज, जैसे इंडिया में कैसा सीन है इंडिया में भाई ज्यादातर लोग इंग्लिश समझ लेते हैं बोल लेते हैं काम भर, सेम माल्टा में भी है कि माल्टा में लोग अपना इंग्लिश समझते हैं इंग्लिश बोलते हैं और ऑफिशियली वहाँ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, तो ये काफी सही है भाई, और पोलैंड का यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये हम एज ए स्टूडेंट आते हैं पोलैंड में और आज तक हमें 4-5 साल हो गया तब भी हमारा पोलिश लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, वी डोंट स्पीक पोलिश, मतलब काम भर समझ लेते हैं ऐसा होता है ना टूटी फूटी, हमें आप बोलने और लिखने बोल दोगे पोलिश तो हमसे नहीं होगा भाई, तो माल्टा का एक यही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे इंग्लिश से आपका काम चल जाएगा और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब सारा इंग्लिश से काम नहीं चल रहा है, ऑफकोर्स अगर आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी अगर अब्रॉड आना है तो भाई बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश वगैरह ठीक नहीं आती है बोलने या जो भी है उसके लिए प्रैक्टिस कर लो भाई, इंग्लिश कोई बहुत ही हार्ड लैंग्वेज नहीं है सीखना स्पेशली हम इंडियंस के लिए, तो आप सीख लो तब मतलब बढ़िया रहेगा, अगर नहीं सीखोगे तब भाई मुश्किल आ सकती है ठीक है। तो गाइस मैं इंग्लिश के लिए इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ ना, अब्रॉड अगर आना है काम करने कहीं भी किसी भी कंट्री भाई वर्क परमिट से नहीं होता है, आपका जो वीजा होगा ना आपका वीजा का प्रॉपर एक इंटरव्यू होता है भाई, उस पर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ, मैं पहले वीडियो बनाया था अराउंड 1-2 साल पहले, उसमें आपको जो एम्बेसडर होता है माल्टा का होगा या फिर पोलैंड का ही होगा तो आपसे भाई इंग्लिश में बात करेगा कि इसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैसे अपना कन्वे करोगे आपको क्या बोलना है, ऐसे 500 पॉइंट बोल सकते हो इसको। माल्टा में जो ड्राइविंग है ना वो हमारे इंडिया की तरह है, जो स्टीयरिंग होती है इट्स ऑन द राइट साइड, अगर आप ड्राइविंग वगैरह फूड डिलीवरी जॉब्स के लिए आ रहे हो तो जो माल्टा में ड्राइविंग होती है कैसे हमारे इंडिया में स्टीयरिंग व्हील राइट साइड होता है, तो सेम माल्टा में भी है और पोलैंड में इज ऑन द लेफ्ट साइड ठीक है, मतलब बाकी यूएसए कनाडा वगैरह की तरह, ये भी एक डिफरेंस है, आपको लग रहा होगा बहुत छोटी बात है, ठीक है छोटी बात है, फूड डिलीवरी जॉब वगैरह करोगे ना आपको यार ड्राइविंग वगैरह जॉब होगी तो उसमें आपको फिर दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग मुझे भी आई थी कितने बार, तो ऐसा होता था कि मैं रॉन्ग लेन में घुस जाऊँ इधर घुस जाऊँ, ऐसे इंडिया की होती है जो आदत, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे भाई पोलैंड आ रहे हो तो आप एक ड्राइविंग कोर्स वगैरह ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रूल्स वगैरह डिफरेंट है इंडिया से,
डिफरेंट इन द सेंस बहुत सारे रूल तो इंटरनेशनल रूल होते हैं, पर गाइस बात ये है कि यहाँ पे लोग रूल्स प्रॉपर फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करोगे ना तो आपका एक्सीडेंट होना 100% तय है भाई। यहाँ पे माल्टा को एक और प्लस मिलता है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे। यहाँ पे माल्टा का एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि माल्टा हैज मोर सीजनल काइंड ऑफ परमिट, मतलब मोर सीजनल काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है। बिकॉज माल्टा में सीन ऐसा होता है कि अभी जो समर टाइम चल रहा है ना, ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बोल सकते हो, भर के आएंगे टूरिस्ट, भर के आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, शेफ वगैरह, वेयर हाउस, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वगैरह में जम के काम होता है, ठीक। माल्टा की जो मेन इकोनॉमी है ना वो चलती है टूरिज्म से, बिकॉज और कुछ कंट्री में है नहीं, एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, मैं डाल दूंगा फोटो वगैरह आप देख सकते हो। खाली माल्टा गया भी था अराउंड 2019 में एक ही दो दिन के लिए वीकेंड पे, तो मेरे को लगा काफी अच्छी कंट्री है भाई, बहुत ही सुंदर कंट्री है, लोग भी इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, ज्यादा फ्रेंडली लोग हैं कंपेयर टू पोलैंड से। साल के तीन चार महीने आपको जम के काम मिलेगा, उसके बाद उनकी थोड़ी जो इंडस्ट्री है ना, वर्क परमिट वगैरह जो भी सब सीजनल जॉब, वो जैसे विंटर स्टार्ट होता है, टूरिस्ट तो आते नहीं है भाई विंटर, यहाँ पे यूरोप में टूरिज्म काफी कम हो जाता है इन विंटर्स, बिकॉज काफी ठंड पड़ती है भाई, -5, -10, -15, काफी बुरा हाल हो जाता है यहाँ यूरोप में विंटर्स में, ठीक है। तो माल्टा की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ठप, मेरे को लगा कि सारा ओवर टाइम नहीं हो रहा है, टैक्स भर रहे हैं, पैसे नहीं बन रहे हैं, तो ये माल्टा में आपको फेस करना पड़ सकता है कि माल्टा कमाई बेसिकली होती है टूरिस्ट से। और पोलैंड के सीन में ऐसा सीन नहीं है भाई, बिकॉज पोलैंड इज अ वेरी बिग कंट्री, माल्टा कंपैरिजन में आई थिंक 5 times और भी ज्यादा बड़ा होगा। पोलैंड में आपको साल भर काम मिलेगा, ऐसा होता है कि समर में आपको कुछ एडिशनल आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर सकते हो, जैसे फूड डिलीवरी वगैरह जो भी हो गई, और विंटर में ये सब थोड़ा हार्ड हो जाता है। माल्टा कंपैरिजन में पोलैंड बेटर है, पोलैंड में ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 महीने काम मिल रहा है और उसके बाद भाई काम नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह और काम आपको साल भर मिलेगा। मतलब पोलैंड में ऐसे टूरिस्ट आते नहीं है, बहुत कम आते हैं टूरिस्ट, बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, तो पोलैंड इस मामले में बेटर है माल्टा से भाई। ये बहुत आपको छोटी छोटी पॉइंट लग रही होगी, इतना आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इतना अपना एफर्ट लगाता हूँ भाई, पूरा एक सामने लिस्ट लेके बैठा हुआ हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग बहुत लोग नहीं करते हो, ठीक है, बुरा लगता है भाई को, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। तो अब बात करते हैं अपने 6th point पे कि माल्टा में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो हाई डिमांड में है या फिर जिसमें पैसे अच्छे बनते हैं। तो पहला वो तो गया भाई होटल इंडस्ट्री, होटल में शेफ वगैरह या फिर रूम क्लीनिंग, बार में वेटर वेटरेस, ये सब की जॉब होती है, हाउसकीपिंग वगैरह, तो ये सब माल्टा में जॉब काफी अच्छी टिप वगैरह मिल जाती है और पैसे अच्छे बनते हैं। और भी होते हैं भाई, फैक्ट्री वगैरह, कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस, फूड डिलीवरी जॉब्स, माल्टा इज नोन फॉर फूड डिलीवरी, बहुत सारे इंडिया से लोग जाते हैं भाई फूड डिलीवरी करने, ठीक है। और पोलैंड में ये सब जॉब है, प्लस मोर जॉब्स आर इन फैक्ट्री, इन वेयर हाउस, डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर फार्म वगैरह, ये सब जॉब, तो पोलैंड में ये सब जॉब ज्यादा है। ओवरऑल ये बोल रहा हूँ कि पोलैंड हैज मोर टाइप ऑफ वर्क, मतलब यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है कंपेयर टू माल्टा। आप सैलरी किसमें कमा रहे हो यूरोस में, तो आपकी सेविंग ज्यादा आपको माल्टा में होगी। सोच के आ रहा हूँ कि किस कंट्री में आपको अगर सीजनल परमिट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से आपको आना है और आपको माल्टा मिल रहा है सीजनल वर्क परमिट, पोलैंड मिल रहा है प्रॉपर 2-3 साल का परमिट, तो आप पोलैंड चूज करो कंपेयर टू माल्टा। पोलैंड आते हो फिर माल्टा वगैरह शिफ्ट हो सकते हो, उसमें टेंशन नहीं है, बहुत लोग करते भी हैं माल्टा से पोलैंड आते हैं या फिर पोलैंड से माल्टा आते हैं, कि अगर आपकी जो परमिट है वो अगर 3 years की है तो बेस्ट है भाई, मतलब उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आप आके TRC वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत लोग मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे, मेरे ईमेल पे भेजते हैं अपना वर्क परमिट पोलैंड का, जो होता है भाई 6 महीने का 8 महीने का, तो भाई 6 महीना 8 महीना तो लोग को ना वीजा परमिट लेने में लग जा रहा है, तो आप फिर क्या ही पोलैंड आओगे, क्या ही TRC अप्लाई करोगे, क्या ही क्या करोगे, तो ये सब सोच के आना, ठीक है। एक 7th point बहुत छोटा सा पॉइंट है कि जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में कि माल्टा में इज मोर लाइक समर जॉब्स, वहाँ पे समर में बहुत ज्यादा जॉब है, और पोलैंड में ऐसा कोई सीन नहीं है, पोलैंड इज मोर लाइक ऑल ईयर, ऑल सीजन जॉब है यहाँ पे। और ये भी है कि पोलैंड इज लाइक अ बूमिंग इकोनॉमी, आप GDP वगैरह देखना, GDP पर कैपिटा या फिर ओवरऑल कंट्री के GDP, तो आपको पता चलेगा कि पोलैंड राइट नाउ इज अ हॉट स्पॉट ऑफ यूरोप, यहाँ पे हर दिन भाई नई नई कंपनीज आ रही है, नई नई फैक्ट्रीज आ रही है, नई नई वेयर हाउस आ रहे हैं, तो ये काफी सही है, बिकॉज बहुत टाइम तक पोलैंड वॉज अंडर डेवलप्ड, यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और अब इनको पैसा आ रहा है भाई, जब से ज्वाइन किया ना EU Schengen, ये सब हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी जर्मनी फ्रांस वगैरह की जो कंपनीज है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज यहाँ पे लेबर सस्ता है, ठीक है, इनको सैलरी देनी है स्लॉटी में, कंपनी को फायदा होता है इन द एंड। कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, यहाँ बस शहर के बाहर निकल जाओ, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़े बड़े भाई वेयर हाउस, अमेजोन वगैरह जो भी, गाइस मेरा पॉइंट ये है कि पोलैंड में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कंपेयर टू माल्टा, बिकॉज ऐसे लोग मेरे को वैसे आता है जो माल्टा से पोलैंड या पुर्तगाल से पोलैंड शिफ्ट होना चाहते हैं, पुर्तगाल में तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है भाई, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट कर देना आपको माल्टा जाना है, पोलैंड जाना है, पुर्तगाल जाना है, ये 3 countries में, तो मुझे पता चले कितने लोग कहाँ जा रहे हैं। और एक 8th point ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कि माल्टा हैज राइट हैंड ड्राइविंग, मतलब जैसे इंडिया में होता है ना स्टीयरिंग राइट साइड होता है, फूड डिलीवरी जॉब्स या फिर आप ट्रक ड्राइवर वगैरह की जॉब्स, ये सब तो काफी आसान होगा। देखता हूँ माल्टा में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से आते हैं वर्क परमिट पे, और उनको परमिट ही मिलता है टैक्सी ड्राइवर का या फिर फूड डिलीवरी का, जॉब है वो ड्राइविंग वाली जॉब ही है। और पोलैंड में जो ड्राइविंग वगैरह जॉब है ना, इसमें थोड़ी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, बहुत लोग मेरे से पूछते भी हैं कि उत्कर्ष मेरे को आना है ऑन ट्रक ड्राइवर परमिट ये वो, तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं आते हैं, तब भी जॉब थोड़ी कम है, बिकॉज में लैंग्वेज का जो बैरियर आ जाता है वो। और माल्टा का एक प्लस है भाई, वहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो
लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं जो काफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज इंडिया से ना जब कोई बाहर अब्रॉड मूव करना चाहता है या सोचता है तो उनको ये आता है कि भाई वहाँ का पीआर मिलेगा, वहाँ की फ्रेंडशिप पासपोर्ट वगैरह मिलेगी। माल्टा का पीआर इज वेरी हार्ड, माल्टा का पीआर लेना इज लाइक पोलैंड का पासपोर्ट लेना, ऐसा सीन है। बहुत ही कम लोगों मैं जानता हूँ जिनको माल्टा का पीआर वगैरह मिला है। तो माल्टा इज नॉट अ कंट्री वेयर दे वांट यू टू सेटल डाउन। तो जो वहाँ के माल्टीज लोग हैं, जो माल्टीज बोलते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन रूल्स वगैरह है फॉर परमानेंट रेसिडेंसी फॉर सिटीजनशिप इज वेरी हार्ड। कंट्री बहुत छोटी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ पे बहुत सारे बाहर से भी लोग आगे बसे हुए हैं। छोटा सा आइलैंड है, उतने जगह नहीं है, बहुत ही आपको कंजेस्टेड वाली सीन है वहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ का जो पीआर और सेटलमेंट है वो काफी हार्ड है, और पोलैंड का भी हार्ड है बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज ही बैरियर है। यहाँ पे जैसे आपको पीआर अप्लाई करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड द पोलिश सर्टिफिकेट ऑफ B1 या B2, ऐसा है, B1 है शायद, हाँ, आपको B1 की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड। हाँ, अगर आप किसी पोलिश बंदी से शादी कर लोगे तब तो काफी आसान हो जाता है, कि बच्चे हैं, फैमिली है, और आप यहाँ पे दूसरी शादी करोगे, वो सब इलीगल काम मत करो भाई। तो गाइस लोग ये भी करते हैं, पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने इंडिया में अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दो यहाँ पे आके पीआर लेने के लिए, कुछ भी करना है वो आपकी लाइफ है भाई, आप देख लो क्या करना है। पोलैंड की जो पीआर है इज मच इजी कंपेरिजन टू माल्टा। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जिनको पोलिश पासपोर्ट मिला हुआ है, जिनको पीआर मिला हुआ है, पीआर वाला तो बहुत लोग भड़े पड़े हैं भाई यहाँ। अगर गाइस आपका ये मोटिवेशन है कि आपको शॉर्ट टर्म अब्रॉड जाके पैसे उसे कमाने हैं तो आप माल्टा इज बेस्ट कंट्री। पर अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि आपको जाके पैसे भी कमाने हैं और पैसे थोड़े कम भी मिले पर तब भी लॉन्ग टर्म आपको पीआर वगैरह मिल जाए, फ्यूचर में मिल जाए पासपोर्ट वगैरह, सिटीजनशिप, तो पोलैंड उसके लिए बेटर है। सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे और इजियर है, फॉर एग्जांपल जर्मनी। जर्मनी तो भाई हर दिन नया नया लॉ बना रहा है ज़्यादा इजी पीआर देने के लिए, ज़्यादा इजी पासपोर्ट वगैरह देने के लिए। माल्टा जाओ या पोलैंड आओ, टैक्स आपका दोनों जगह कटना है। कॉमन फंडा है वो है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और वो आपके सैलरी से कटेगा ही कटेगा, आपको उसमें हाथ नहीं है भाई। उसमें आपको पेंशन कटता है, उसमें आपका सिक लीव कटता है, उसमें आपका डिसेबिलिटी ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें पांच छह चीज़ें हैं जो आपकी सैलरी से कटेगी कटेगी। पैसा आएगा ना आपके हाथ में, अकाउंट में, वो सब कट किया आएगा, आपका जो एम्प्लॉयर है वो काट के देगा। यहीं पे जो मिडिल ईस्ट कंट्री है ना, यहाँ पे बेस्ट है भाई, वहाँ टैक्स वगैरह ना के बराबर है, नहीं भी है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो बिकॉज आपके हाथ में सैलरी वगैरह मिलती है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है इंडिया वगैरह से, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपको बताइए अफ्रीका वगैरह से, गल्फ कंट्री में तो हर कंट्री से लोग जाते हैं काम करने। गल्फ के कंपेरिजन में अभी भी यूरोप में उतनी इंडिया से क्राउड, उतनी भीड़ नहीं आई है। ओवरऑल प्रोसेस है यूरोप का इज मोर हार्ड देन गल्फ फॉर श्योर। यूरोप का जो पासपोर्ट होता है ना भाई, वो भाई 25-26 कंट्री आप ऐसे जाओगे बिना पासपोर्ट के, फ्री है, 100+ कंट्री यू कैन विजिट वीजा फ्री। यूरोप एक सबका ड्रीम होता है भाई, हमारा भी था। तो गाइस एक और पॉइंट जो मैं भूल गया बताना, तो जो माल्टा में आपको टीआरसी मिलती है वो खाली 1 ईयर की मिलती है, तो ये बहुत ही बेकार है। हाँ, उस 1 ईयर के बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हो। पोलैंड का यहाँ पे एक और प्लस है, तो जो पोलैंड के केस में मिलती है वो मिलती है फॉर 3 ईयर्स। अगर आपका 3 साल का परमिट है ना तो आपको टीआरसी कार्ड भी 3 ईयर्स की मिलेगी। तो माल्टा इज लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको परमिट वगैरह जो भी टीआरसी, टीआरपी, परमानेंट रेसिडेंसी, पीआर वगैरह, वो माल्टा में थोड़ा हार्ड है। आवाज करते हैं अपने 11वें पॉइंट पे, ठीक है। तो 11 पॉइंट ये है, माल्टा इज वेरी स्मॉल कंट्री, एक आइलैंड कंट्री है। कुछ आइलैंड्स हैं माल्टा में जो मिला के एक कंट्री उन्होंने बना दिया है, जो भी किया हुआ है, पार्ट होना था यूके का, पर समझ रहे ना, मतलब जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर फॉरेनर्स, फॉर इंडियंस। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है अपने लोकल लोगों को, जो माल्टीज, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, फूड हो गया, जो भी होता है ना कल्चर वगैरह, उनको प्रिजर्व करना है। पीआर वगैरह और जो भी रेजिडेंट परमिट है उसके लिए उतनी फ्रेंडली नहीं है फॉर इंडियंस या फॉरेनर्स या कोई भी हो जो काम करने हैं, बिकॉज कंट्री छोटी है भाई, ठीक है। उनको अपना जो सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी है वो लूज नहीं करना है। और उसके कंपेरिजन में जो पोलैंड है, पोलैंड इज अ बिग कंट्री, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और इनको भाई फॉरेनर्स चाहिए बिकॉज यहाँ पे जो एवरेज पॉपुलेशन है वो दैट इज ओल्ड। मतलब यहाँ पे ना बाहर निकलोगे पोलैंड में तो आपको ज्यादातर ओल्ड लोग दिखेंगे भाई। यहाँ के जो यंग लोग होते हैं ना, या तो पोलैंड छोड़ देते हैं, किसी और कंट्री मूव कर जाते हैं, इनके लिए इतना आसान होता है भाई किसी और कंट्री जाए काम करना, पैसे कमाना पूरे यूरोप में। यहाँ पे जो ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनको लोग चाहिए जो आगे काम करें, जो आगे टैक्स भरें, जो आगे इंडस्ट्री बिल्ड करें भाई, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये भी एक छोटा सा कंपेरिजन था, एक छोटा सा पॉइंट। पॉइंट नंबर 12 कि पीपल आर मच नाइस इन माल्टा, इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी है भाई, इंग्लिश आती है लोगों को, और छोटी सी कंट्री है ना, उनको टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सबसे उनका कंट्री चल रही है। कि माल्टा में पीपल आर मोर फ्रेंडली टुवर्ड फॉरेनर्स, और पोलैंड के केस में वो सीन नहीं है भाई। गवर्नमेंट है वो तो भाई एकदम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, अभी जो करंट चल रहा है सीन। तो साहब तुम्हें क्या लगता है, पोलैंड गवर्नमेंट फ्रेंडली है, लोग फ्रेंडली हैं टुवर्ड फॉरेनर्स? नो, ऑनेस्ट बात होती है यहां पे, फ्रेंडली है इफ दे नो इंग्लिश, इफ दे डोंट दे डोंट इवन वांट टू हेल्प यू। ये गंदा स्टेयर देते हैं यहाँ के लोग आपको देख के, जो अगर आप ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पे लोग ऐसा स्टेयर देंगे कि जैसे तुम्हें एलियनेटेड फील करा देंगे, एलियन ना, कि तुम सारे कहाँ क्या आ रहे हो तुम्हारे कंट्री में, ऐसा उनके हिस्ट्री की वजह से। अगर आप पोलैंड की हिस्ट्री देखोगे तो उनकी हिस्ट्री बहुत ही खराब रही है, और खराब हिस्ट्री तो हमारी भी रही है इंडिया की यार, पर तब भी एक होता है ना कि लोग मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे इंडिया या कोई भी कंट्री हो, कंट्री का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने पास को छोड़ के फ्यूचर पे नहीं सोचोगे।
अगर आप अपने पास को लेकर रहोगे ना कि तुम मेरे देश में आए, हम पे राज किए, हमारा देश ले लिए। फॉर एग्जांपल आप इंडिया ही देख लो, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगीज आए, उन्होंने राज किया, उन लोगों को मारा, जो भी किया भाई, दिमाग में रखोगे ना मेरे को बदला वाली जो फीलिंग होती है रिवेंज कि अब मेरे को अपना देश बचाना ये करना है, तब तो भाई आप ऐसा गवर्नमेंट रूल बना देगी कि बाहर से कोई कंपनी आए ना, या फिर इंडियंस जा ना पाए यूके या जो भी कंट्री है कहीं भी, कि जो यहाँ के लोग हैं इनमें अभी भी वो नेशनलिस्ट वाली फीलिंग है कि हमारा देश है पोलैंड, हमारा लैंग्वेज पोल्स्का, हमारा कल्चर, फूड, डांस, ट्रेडिशन, जो भी होता है, हमारा दारू, अल्कोहल, ये सब चीज़। पोलैंड में थोड़ा नेशनलिस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा है लोगों में कंपेयर टू माल्टा में। माल्टा में लोग थोड़े चिल हैं, फ्रेंडली हैं, रिलैक्स हैं, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि साला पोलैंड में ना अभी आगे का पॉइंट है, यहाँ पर ठंड ऐसी पड़ती है गांठ फाड़ लिटरली भाई, लग जाते हैं लौड़े भाई। और माल्टा इज़ लाइक अ वेरी वार्म कंट्री, इतना वहाँ पे समुद्र, बीच वगैरह, ऐसे कैसे गोवा में होता है, मतलब साउथ इंडिया में, तो सेम ऐसा ही है भाई माल्टा केस में। और मैं भी जब गया था ना दो दिन के लिए माल्टा वीकेंड पे, मतलब 2019 के बाद बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा यार कि मतलब लोग इतने फ्रेंडली हैं, इंग्लिश में आप बात कर सकते हो किसी से भी, कहीं पे शॉप पे जाओ, कहीं भी जाओ, इंग्लिश में काम चल रही है आपकी, काफ़ी सही लगा मुझे। मतलब माल्टा इज वन ऑफ द कंट्री क्लोज टू माई हार्ट। और गाइस पोलैंड के सीन में लिटरली ऐसा है, हमें आप 5 साल में रहते हैं भाई, ज़्यादा नमक हराम नहीं बनना है मुझे, मुझे ऐसा नहीं बोलना है, पर जो रियलिटी है वो है भाई। इंग्लिश में किसी से बात भी करना चाहो तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं ऐसे पीछे हो जाएंगे कि नहीं नहीं नी एंगल्स की कर देंगे, वो नी एंगल्स की, इसका मतलब कि नो इंग्लिश, ऐसे हेल्प करते हैं अगर आप उनकी थोड़ी लैंग्वेज बोलोगे ना, आप जो बात स्टार्ट करोगे अगर पोलिश लैंग्वेज में स्टार्ट कर दो, तब तो एकदम अच्छे हो जाएंगे, आपके हेल्प बोल करेंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पोलैंड में थोड़ा नेशनलिस्ट वाली फीलिंग ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं नेशनलिस्ट, जो भी इंडिपेंडेंस डे वगैरह, फ्लैग डे, सब। हम जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज से आया था नोटिफिकेशन तो आप घर से बाहर ना निकलना, आया था ना हमारी पोलिश क्लास थी, उसमें टीचर ने बोला था कि हम भी नहीं निकलते तो आप भी मत निकलिएगा, हूलीगन्स मिलते। पर हमारे लिए ऑफिशियली हमारे कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे है उस दिन, हूलीगन्स ये गुंडे वंडे जो होते हैं ना पीटने पाटने वाले, बहुत लोगों को पीटते हैं भाई वो फॉरेनर्स को, पीट भी गए इंडियंस, हाँ बहुत सारे इंडियंस पीटे भी हैं इसमें, लिटरली पीटे हैं भाई, अफ्रीकन तो भाई अलग ही है, पर इंडियंस बहुत सारे पीटे हैं और पिट जाते हैं। तो इस केस में जो मैं बोलूंगा कि माल्टा इज अ मच नाइसर कंट्री इन द सेंस ऑफ वहाँ के लोग फ्रेंडली ज्यादा हैं, और पोलैंड केस में लोग थोड़े फ्रेंडली कम हैं भाई। ये सब बात आपको सोच के आनी है, आप जब इंडिया से अब्रॉड मूव करना चाह रहे हो, जब आए थे यूरोप, हम जब आए थे पोलैंड, तो हमें ये सब कोई बताने वाला था नहीं उस टाइम, अगर मुझे बताने वाला होता नहीं ये सब यूट्यूब के थ्रू या कैसे भी, उससे मैं चुम्मा मत देता उसको। हम लकी है कि हमें कोई पीटा नहीं आता। हाँ ये तो हमारे साथ हुआ है कि हमारे साथ रेसिज्म हुआ है। क्या ही पीटेगा, मैं खुद ही 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी हूँ। आप यूरोप या ना किसी भी कंट्री मूव कर रहे हो, ठीक है उनकी कंट्री में वो थोड़ा थैंकफुल रहो, ये सब अपना रखो अंदर से। जो भी हमारे इंडियंस ना बहुत भोले होते हैं भाई, ऐसे ही बताऊँ बात तुम्हें, मतलब इंडियंस इतने भोले और शरीफ होते हैं, उनको मिसयूज करना काफी ईजी होता है। तो यहाँ पे आप आओगे ना ऐसे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे बन गया, दब के रहोगे, लिटरली दबाएंगे भाई, आप कहीं भी चले जाओ किसी भी कंट्री, ऐसे बाहर भी जा रहे हो, ऐसे निकल रहे थे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, यहाँ डरना नहीं है भाई, अपने यूक्रेन को धमका, आपको डरना नहीं है भाई, अपना अंदर से वो रखना है बोल्डनेस। अगर आप बोल्डनेस नहीं रख पा रहे हो, इंडिया में रहो, अपने गाँव में रहो, अगर आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया मूव करना है, बिकॉज वहाँ के भी लोग आपको ऐसा फील करा सकते हैं, यू आर नॉट फ्रॉम हेयर, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ऐसा होता है भाई, इससे बात होती है इंडिया में। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि अगर इंडिया से बाहर आपको आना है पढ़ाई करने, काम करने, जॉब करने, आपको अंदर से एक बोल्डनेस अपने दिल में ना, जो क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत, करेजा में दम होना चाहिए, करेजा में, ठीक है, ऐसा मेंटालिटी रखोगी आपको कुछ भी से फर्क ना पड़े। मतलब कोई आपको गाली भी देते ना पोलिश में तो आपको ऐसे भी समझ में आने वाली है नहीं, पर्सनली दिल पे मत लो, ठीक है, दे दे तो रिपीट मत देना, लेकिन अगर देना भी दे दो यार, मैं तो दे ही देता हूँ, तुम्हारे पोलिश में गाली दे रहे हो हमें समझ नहीं आ रही है, तुम बोल के अपने में रहो यार, आपको दिल में कर रखना, किसी से दब के नहीं रहना है भाई। और मैं देखता हूँ ना इंडियंस में वो एटीट्यूड आ चुका है, और भाई ये सब सही बात है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, यूके से लोग आए, ब्रिटिशर जो गोरे लोग, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे इंडियंस मेजोरिटी पॉपुलेशन में ऐसा अंदर से आ चुका है, सर मैडम करके बात करना। मुझे भी ना इंस्टाग्राम बहुत लोग मैसेज करते हैं तो बोलेंगे आई नीड हेल्प, सर 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 क्यों कर रहे हो भाई, मतलब क्यों सर क्यों बोलना। यहाँ पे ना आप यूरोप में आओगे, आप ऑफिस में काम करो, कहीं भी काम करो, कोई भी किसी को सर करके या सर मैडम करके नहीं बोलता है। आप सर मैडम कर दिया, आप वहीं पे कर दिया डिस्क्रिमिनेशन, कि तुम मेरे से ऊपर हो, सुपीरियर हो, मैं तुमसे नीचे हूँ, मैनेजर बॉस है उसका, आपको सर सर करना है, नमस्ते सर 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 नमस्ते सर, छुट्टी की आदत। हाँ वो यही बोल रहा हूँ, ये इंडियंस में आ चुका है भाई, और यहाँ के लोगों में ये सब नहीं है, और आप नहीं बोलोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, इंडिया में जो होता है ना बुच्छुदी, कि आपको सर मैडम करना है, सर छुट्टी पे आना है, सर सर वाइफ बीमार है छुट्टी ले लूँ सर, यहाँ पे भी मिल गया। हाँ गाड़ी टुक गई उसकी, आपको ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। देखो गाइस अभी बहुत सारे लोग आए जो हमें गाली भी दे रहे हैं, राइट, पता नहीं क्या बोला, फक यू बोला ना। हाँ तो गाइस देखिए अभी बहुत सारे लोग इधर से गए, गाड़ी देखिए दिखाता हूँ कैमरा, देखिए देखिए जा रहे हैं सामने, तो पता नहीं क्या बोल के गया हमें कुछ इंग्लिश में, फक यू क्यों, तो मैं तो वीडियो बना था क्या ही बोलूँ, बिकॉज इनके ना जितने मुँह लोगे हमारे देश में आके हमसे कर रहे हो ये कर रहे हो, भाई ज़्यादा करोगे पंगा होते हैं, पानी नहीं है फेंक फाक देंगे, देखो मतलब ऐसा होता नहीं है, एक बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इंडियंस अभी लास्ट ईयर कुछ हुआ था, उसका जो लैंडलॉर्ड था वही मार दिया बंदे को, इंडियन बंदा इतना जॉब करता था बैंक वगैरह में वो। तो गाइस अच्छे बुरे लोग तो हर कंट्री में होते हैं, तो आपको एक अंदर से ऑप्टिमिस्टिक वाली अच्छा ही रखना है सोच, कि सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। देखो भाई कितना दिल साफ है,
इतना आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा है, सारे लोग गाली देके जा रहे हैं, बताओ फक यू बोल दिया मैंने जो नहीं ऐसे भी बोला फक यू ऐसे कुछ बोला ना पॉलिश में बोला पहले हाँ पहले पॉलिश बोला फिर इंग्लिश में दिखा ना फॉरेनर समझ नहीं आएगा मैं तो ऐसे बोला फक यू ऐसे कुछ ठीक है कोई बात नहीं होता रहता है भोसला कर दिया दिमाग खैर कोई क्या हो गया मुझे तो फर्क नहीं पड़ा उसको देख के कुछ बोलना नहीं है बस जब बोलोगे अब आगे कुछ अब गए अब वीडियो नहीं बनेगी गए सही में भोसड़ा हो गया क्योंकि इंग्लिश में बोल दिया ना वो फक यू बोल दिया समझ में आ गया मुझे फक यू बोल के जा रहा है अगर पुलिस में बोलता तो उनसे बात नहीं यार मार चुका है जब भी वीडियो बनती है तभी कोई आता हाँ और उनको ऐसा भी लगता है ना कैमरा उनको लग रहा होगा साला मैं किसी न्यूज़ चैनल से आया हूँ ऐसा पूरा मेरा सेटअप देख रहे हैं पूरा कैमरा वैमरा माइक वगैरह लगा हुआ है ट्राईपॉड जलसी वाली फीलिंग भी आती है सेटअप लेके गाड़ी वगैरह घूम रहे हो साले इंडियंस तुम वापस जाओ ऐसे आगे बात करते हैं आगे बढ़ जाते हैं भाई लाइफ में दिल पे बात नहीं लेनी आगे बढ़ते हैं अब हमारे 13 पॉइंट ये है कि माल्टा भी अफोर्डेबल है फ्री में अकोमोडेशन कंपनी से मिल रही है और खर्चे वगैरह उतने आप नहीं कर रहे हो पार्टी वगैरह नहीं कर रहे हो हाँ माल्टा में आप पार्टी में ज्यादा पैसे उड़ा सकते हो बिकॉज वहाँ जो क्लब वगैरह है इज मोर एक्सपेंसिव देन पोलैंड पोलैंड में अल्कोहल बहुत ही चीप है और है ना अकोमोडेशन दोनों पोलैंड और माल्टा मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट सेम है 19-20 का फर्क है अगर माल्टा में 19 है तो पोलैंड में 20 है तो दोनों अफोर्डेबल कंट्रीज है कंपेरिजन टू जर्मनी कंपेरिजन टू स्वीडन डेनमार्क ये सब कंट्री में ना सैलरी बहुत ज्यादा है स्वीडन डेनमार्क नॉर्वे वगैरह में पर वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत हाई हैं भाई अब बात करते हैं अपने 14th पॉइंट पे 14 कि माल्टा इज मोर इजी टू स्विच जॉब्स मतलब ऐसा होता है ना बहुत लोग मान लो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो कल वो जॉब छोड़ के फूड डिलीवरी कर रहे हैं टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं तो माल्टा इज मोर इजी टू स्विच जॉब्स पोलैंड में ना बहुत सारे आ गए हैं लोग यूक्रेन से तो यहाँ पे ना अगर आप सोचोगे आपको एक वर्क परमिट मिल जाए अच्छे कंपनीज का अच्छा सैलरी मिल जाए तो वही बहुत ही एक बड़ी बात है भाई मैं ये बोलूँगा बिकॉज अभी यहाँ पे ना हर जगह आप जो भी छोटे मोटे वेयर हाउस में फैक्ट्रीज में शॉप वगैरह पे टैक्सी ड्राइवर फूड डिलीवरी अपने यूक्रेनियन भाई लोग काम कर रहे हैं मैं ही नहीं बोलूँगा अच्छा है बुरा है अब तो बात करते हैं हमने 15th पॉइंट पे वो ये है कि द वेदर इज ग्रेट इन माल्टा कि माल्टा इज आइलैंड कंट्री में डाल दूंगा यहाँ फोटो वीडियो आप देख लेना कहते हैं सुंदर कंट्री तो है भाई वी आर मोर यूज टू समर और माल्टा में वो सब क्लाइमेट आपको मिलेगी हॉट वगैरह ह्यूमिड ऐसे जो भी तो गाइस देखिए पोलैंड में भी चल रहा है लिटरली समर और टेम्परेचर है भाई 21 अभी कितने 5-6 बजे टेम्परेचर 21 है और रात में टेम्परेचर जाएगा 10-12-13 आप देख सकते हो 13 degree 14 degree मतलब रात में भाई गजब ठंड पड़ती है यहाँ पे मतलब समर्स में भी और विंटर्स में तो पूछो ही मत भाई आप मेरे तो गो एंड चेक आउट मैं ओल्डर वीडियोस तो आप देख लोगे कि विंटर में साला कितना बुरा हाल हो जाता है लिटरली पोलैंड में तो मेरा तो ऐसा हाल हो गया था कि बाहर निकलने का लिटरली हिम्मत नहीं होती थी अंदर से तो पोलैंड में भाई ठंड पड़ती है गांठ फाड़ -10 माइनस आई थिंक मैक्सिमम मैंने जो देखी है वो -25 इंडिया में कभी माइनस में मैंने टेम्परेचर देखा ही नहीं था इतना बुरा हाल हो जाता है लिटरली विंटर्स में आपकी जो ड्राइविंग है इतनी हार्ड हो जाती है आपको बाहर निकलने का मन नहीं करेगा आपके जूते गंदे हो जाएंगे यू हैव टू बाय स्पेशल बूट्स जो पहले से हैवी होता है इतना कि माल्टा में ना यू विल सी सन सूरज ज्यादा मिलेगा आपको धूप और पोलैंड में तो भाई 6-6 महीना 8-8 महीना धूप ही नहीं निकलती है निकलती है ठंडे में ठंडे में अगर धूप निकल जाए पोलैंड में मतलब यू आर वेरी लकी इज अ गोल्डन डे ऐसा होता है निकल भी जाती है तो फील नहीं होती हाँ ये भी ये बात भी है कुछ पता नहीं पड़ता क्या हाँ कि भाई अगर आपको लगेगा कि -15-20 टेम्परेचर है और उसमें धूप निकल गई ना तो आपको धूप बॉडी में फील ही नहीं होती है वो बस लगता है कि हाँ बस ऐसे उजाला कुछ बल्ब लगा हुआ है पर आप यहाँ पे आके जब रहोगे ना यूरोप में तो आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड विंटर डिप्रेशन जो विटामिन डी की यहाँ पे कैप्सूल वगैरह लोग खाते हैं विटामिन कैप्सूल वगैरह तो वो सब आप खा सकते हो तब भी मैं ये बोलूंगा कि पोलैंड इज मोर डिप्रेसिंग इन विंटर्स कंपेयर टू माल्टा शॉर्ट टर्म के लिए माल्टा इज बेस्ट अब इसलिए बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है वर्क परमिट निकलने में तो मैं ये बोलूंगा कि माल्टा की जो वर्क परमिट है वो अराउंड 1-2 महीने में आ जाती है और पोलैंड में तो भाई लोग के 2-3-4-4 महीने लग जा रहे हैं एक बंदे का मेरे कल मैसेज आया वो बोल रहा है कि भाई आई एम वेटिंग फॉर वर्क परमिट फ्रॉम 6 months और एजेंट बोल रहा है भाई अभी पोलैंड में वर्क परमिट निकल नहीं रहा है बंद है ये सब है वो सब फर्जी बातें हैं भाई वो सब फ्रॉड है आपका मैक्सिमम 2-3 महीने में वर्क परमिट आ जाना चाहिए और माल्टा का 1-2 महीने में आ जाता है पोलैंड की ना जो वीजा अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिल रही लोगों को भाई मतलब लोग लिटरली वेट कर रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने एक बंदा तो मेरे को मैसेज किया कल रात में वो बोल रहा है आई एम वेटिंग फ्रॉम 8 months मतलब उसके पास वर्क परमिट है सारा डॉक्यूमेंट है वीज़ा अप्लाई करने के लिए पर साला वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है VFS का तो ये सब भी बकचोदी है मैं तो ऐसे भी 1-2 लोग से बात करी जो बोले कि दे हैव पेड 70,000 इंडियन रुपीज फॉर गेटिंग द डेट फ्रॉम VFS VFS है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे और रैंडमली स्लॉट्स निकालती है तो ये जो भी एजेंट्स वगैरह है ना वो क्या करते हैं उनके पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो देखते रहते हैं कब आ रहा है डेट कब आ रहा है वो रैंडमली करते रहते हैं और किसी को डेट निकल गई तो डेट वो अपना ब्लॉक कर लेते हैं फर्जी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल के फोन नंबर डाल के एजेंट के पास जाओगे वो बोलेगा हाँ डेट मिल जाएगी 1 महीना लगेगा डेट मिल जाएगी कुछ चाहिए एजेंट का नंबर तो मैं बात कर सकता हूँ किसी से मिल जाएगी डेट इंडिया में भाई पैसे ही खेले है ठीक है अगर आप पैसा फेंकते हो इंडिया में तो सारा काम हो जाएगा गाली खा लिया इसी वीडियो के लिए मैंने इतनी अच्छी सी बातें कर रहा था मैं पोलैंड के बारे में उसी टाइम पर गाली देकर चला गया वो तो भाई मुझे लगता है कि मैंने ओवरऑल इतने 10-12-15 पॉइंट में बात किया है जो कि आपको माल्टा आना चाहिए पोलैंड आना चाहिए क्या दोनों की प्लस है क्या निगेटिव है तो ओवरऑल आपको अब डिसीजन लेना है कि आपको माल्टा जाना है या पोलैंड जाना है
तो मेरा रहेगा भाई पोलैंड अपना देखियो, आपका क्या सिचुएशन है, कितने पैसे लग रहे हैं, कौन सा एजेंट कितना चार्ज कर रहा है, वर्क परमिट कितने टाइम का आ रहा है, तो ये सब आप कंसिडर कर लो। तो मैंने सारा बता दिया, पर मैं बोलूँगा पोलैंड भाई। पोल्स्का जिन नॉर्वे मैं गया नहीं हूँ, क्या पता अच्छा हो। हाँ। मतलब 5 लाख के अंदर उसका स्टडीज का भी हो गया और रहने का वहाँ पे जॉब कर रहा है मैकडी के अंदर एडवांस। हाँ, तो मतलब सेट हो गया भाई, 5 लाख में पूरा यूनिवर्सिटी भी निपट गया और काम भी हो गया और मस्त घूम भी रहा है और मतलब ऐसा कोई जॉब में दिक्कत भी नहीं है उसको लैंग्वेज रिलेटेड। सस्ता है, ठीक है, घूमने के लिए सही है और कुछ महीने काम करने के लिए टेम्प्रोरी। अगर आपको लॉन्ग टर्म बाहर का ही सोचना है तब तो आप पोलैंड ही आओ। रेजिडेंट कार्ड भी नहीं मिलता ना, 12 महीने का मिलता है, बस एक साल का मिलता है। हाँ। ये पोलैंड का आगे जाके स्कोप अच्छा है, सैलरी बढ़ेगी, मिनिमम वेज भी बढ़ेगा, यहाँ पे अभी खूब पैसा आ रहा है, लोग आ भी रहे हैं। तो हम देखते हैं कितने लोग पहले थे और कितनी जॉब थी और अब कितने लोग आ रहे हैं और लोग कभी कितने अमीर हो रहे हैं, यहाँ पे लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं। मैं जो ये सब देख रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट पैसा आ रहा है पोलैंड में, मैं अपने कलीग्स को ही देखता हूँ, बहुत सारे शादीशुदा हैं एंड दे आर गोइंग टू इंटरनेशनल स्कूल्स इन पोलैंड, तो बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं इंडिया के। अब यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ाओगे तो रेसिज्म होगा, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल में सब मस्त है, तो आओ आराम से, बच्चे भी लेके आओ, पढ़ाओ, शादी करो। तो यही है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सिंपल आदमी हूँ भाई। देखो सफ़ेद शर्ट पहना है सिंपल आदमी, ठीक है, जो अपना अच्छा बजा है, जो अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब गाइस लिटरली आपके इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए गाली खा गया मैं, तब तो गाली खा रहे हैं, कभी यूक्रेनियन थे कभी पोलिश थे, अब कोई और आएगा इटालियन गाली देने, हमें शायद माल्टा वाला ही गाली देने। दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कुछ ठोक के मारो। हाँ, ठोक के मारो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कमेंट जरूर करना, आपको पोलैंड आना, आपको माल्टा आना, आपको पोर्चुगल जाना है, कहीं भी जाना है, अगली कंट्री कौन सी कंपेयर करनी है, तो आप कमेंट कर देना कि किस कंट्री का मैं नेक्स्ट कंपेरिजन करूँ पोलैंड के साथ, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए हमारे पीछे एक लेक है, यहाँ पे लोग भाई क्या मछुआरे, 3-4 लोग गए जो हमें गाली दे गए, ये भी चेयर लगा दारू पी रहे थे, मैं सुट्टे वगैरह जो भी गांजा फूक रहे। जल्दी से 50K कराते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर और मिलते हैं भाई फेस टू फेस। 50K गाइस, ये पता नहीं कैसा जंगल है, यहाँ पे पार्किंग बनी है पी भाई, यहाँ से भी पता नहीं कैसे आवाजें आ रही हैं भाई अंदर से। और गाइस लिटरली वो सब लोग ना यहीं बैठे हुए थे, यहाँ पे लेक है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, पता नहीं क्या है जो भी है। पोलैंड और माल्टा।